अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपके जिस्म में किसी भी तरीके का दर्द क्यों ना हो, आपके जिस्म में दर्द होता है तो आप क्या करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। खबरदार, अगर आप दवाइयाँ लेते हैं, छोटे छोटे दर्द में दवाइयाँ लेते हैं तो साइड इफ़ेक्ट होने का खतरा रहता है। इस वीडियो में हम एक ऐसी दुआ बताने वाले हैं, अगर आप इस दुआ को सिर्फ 7 बार पढ़िए, आपके पूरे जिस्म का दर्द ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। मुझे इस दुआ पर पूरा यकीन है। हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्द के वक्त में पढ़ा करते हैं और लोगों को बताया करते थे। इस दुआ को जो शख्स पढ़ेगा इंशाल्लाह उसका दर्द ख़त्म हो जाएगा। दर्द कहीं भी हो, सर में है, पेट में है, टांग में है, किसी भी तरीके का दर्द हो वो फौरन ख़त्म हो जाएगा। ये दुआ हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई है। दोस्तों, दर्द की दुआ बताने से पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए। आपको एक हदीस शरीफ की तरफ लेके चलते हैं। हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस्म के कहीं भी दर्द हो उस हिस्से पर हाथ रखकर 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, उसके बाद 7 बार ये दुआ पढ़े जो आगे मैं अभी आपको बताऊंगी, जो स्क्रीन पर दिखाई देगी। दर्द में शिफा नसीब होगी इंशाल्लाह। आप लोगों की आसानी के लिए हमने ये दुआ को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। आप कुछ दिन देख के पढ़िए, उसके बाद आपको याद हो जाएगी। दुआ ये है, आउज़ु बिल्लाही व कुदरतिही मिन शर्री मा आज़िदु व उहाज़िर। एक बार और समझ लीजिए, आउज़ु बिल्लाही व कुदरतिही मिन शर्री मा आज़िदु व उहाज़िर। इस दुआ को आपको 7 मरतबा पढ़ना है। जिस भी हिस्से में आपकी दर्द है 7 बार पढ़ के फूक मार लीजिए, इंशाल्लाह आपका दर्द फौरन ख़त्म हो जाएगा। इस दुआ को दर्द के वक्त हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पढ़ते और दूसरों को भी पढ़ने का हुक्म देते। आप इस दुआ को कितने मुसलमान भाई बहनों में शेयर करेंगे। इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल इस्लामिक टीचर रोशनी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके।